नीचा पहुंचे राहुल गांधी, प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा हिंदुस्तान के पीएम नहीं राजा हैं नरेंद्र मोदी। लक्सर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, जनता से की वोट की अपील, कहा हरिद्वार में होगी असली विकास। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने लगाई पावन डुबकी, कोई पाबंदी नहीं, फिर भी कम संख्या में आए लोग। मंगलौर में चुनाव और कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट, सीमाओं पर पुलिस बल तैनात, पर्यटक और श्रद्धालुओं की होगी आरटीपीसीआर की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। तराई में किसानों को साधने के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजा बता दिया। उन्होंने कहा कि किसानों का सम्मान कांग्रेस सरकार में ही लौट सकता है। राहुल गांधी ने दिल्ली में किसानों के आंदोलन का उल्लेख करते हुए बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना भी की। इस दौरान क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। सबसे पहले मैं आपको और देश के सब किसानों को बधाई देना चाहता हूं। बधाई इस बात की कि आप इन तीन कानूनों के खिलाफ पत्थर जैसे, पहाड़ जैसे खड़े हो गए और आपने एक इंच इनको नहीं दी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एक कदम पीछे नहीं लिया और आपने हिंदुस्तान की सरकार को सच्चाई दिखाई। बधाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपका इतिहास है। आप सिर्फ देश को भोजन नहीं देते हो, आप देश को रास्ता दिखाते हो और सालों से आप इस देश को रास्ता दिखा रहे हो। अंग्रेजों से लड़ाई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने नहीं लड़ी थी, अंग्रेजों से लड़ाई हिंदुस्तान के किसानों ने और मजदूरों ने लड़ी थी। उसके बाद हरी क्रांति, कांग्रेस पार्टी, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने हरी क्रांति दी, नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ पार्टनरशिप बना के देश को हरी क्रांति दी थी। पसीना, खून पसीना हिंदुस्तान के किसान ने दिया था। और मैं आजादी की बात की, हरी क्रांति की बात की, बहुत और ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, इसको आप भी जानते, पूरा देश जानता है। आपने देश की सरकार को बताया कि हिंदुस्तान की सच्चाई से हम नहीं हटने वाले हैं, आप हमें ना खरीद सकते हो, ना डरा सकते हो, ना दबा सकते हो, हम नहीं हटेंगे। और मैं आपको बताऊं, इस सरकार को यह समझाना बहुत जरूरी था और है। पार्लियामेंट में अपने भाषण में मैंने कहा कि दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान, प्राइवेट हवाई जहाज, 5-star 7-star होटल, मर्सिडीज गाड़ी, अमीर लोगों का हिंदुस्तान, उसमें ना कानून से कुछ लेना देना, आप कुछ भी करना चाहते हो कर दो, कुछ भी खरीदना चाहते हो, कहीं भी आप कानून तोड़ना चाहते हो, किसी की जमीन हड़पना चाहते हो कर सकते हो, चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान, इसमें बहुत लोग नहीं है,
सौ दो सौ लोग हैं पार्लियामेंट में। मैंने एक आंकड़ा रखा और आपको भी आज बताता हूं भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 100 लोगों के पास, 100 लोगों के पास हिंदुस्तान के 40% लोगों से ज्यादा धन है। हिंदुस्तान का 40%, हिंदुस्तान के 40% लोगों के पास जितना धन है उतना धन 100 लोगों के पास है। ऐसी डिस्पैरिटी, ऐसी इनकम डिस्पैरिटी शायद किसी और देश में नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में है। दूसरा, हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, उसमें आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपकी जमीन छीनी जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी। दो हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं और न्याय हिंदुस्तान में होना चाहिए। हम किसान बिलों के खिलाफ क्यों खड़े हुए? क्योंकि ये अन्याय था, ये हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ अन्याय था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी हुई। आज आपके एक नेता ने कहा, मनमोहन सिंह का जो समय था उन्होंने उसको गोल्डन पीरियड कहा। वो गोल्डन पीरियड क्यों था? वो गोल्डन पीरियड इसलिए था क्योंकि उस समय किसानों के बीच और सरकार के बीच पार्टनरशिप थी। हमारे दरवाजे सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हुआ करते थे, बंद नहीं थे। आप हमारे पास आते थे और जो आपके दिल में था, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आप आते थे सरकार के पास, जो आपके दिल में था वो आप कह जाते थे। कभी कभी हम आपसे कहते थे, देखिए हम आपसे सहमत नहीं है, और कभी कभी हम आपसे कहते थे ये जो आपने बात बोली है ये आपने बिल्कुल सही बोली है। मतलब उस समय के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री था, आज के हिंदुस्तान में राजा है। प्रधानमंत्री सुनता है, प्रधानमंत्री के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए खुले होते हैं, बातचीत करता है और अपने लोगों से यह भी कह सकता है, नहीं मैं मानता नहीं तुम्हारी बात, गलत बोल रहे हो। मगर जब लोग सही बात कहते हैं तो फिर प्रधानमंत्री कहता है सही बात बोल रहे हो। और अगर प्रधानमंत्री सबके लिए नहीं काम करता है तो वह प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। हिंदुस्तान के किसान एक साल ठंड में, कोविड में सड़क पे खड़े थे, हां या ना? खड़े थे ना? प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने की कोशिश तक की। प्रधानमंत्री ने उनसे यह पूछा कि भैया आओ मेरे ऑफिस में आओ, मुझे बताओ क्या बात है, मुझे समझाओ ये कानून आपको अच्छे क्यों नहीं लगते ना। प्रधानमंत्री ने कहा ये किसान हैं, ये मजदूर हैं, मैं राजा हूं, राजा किसान और मजदूर से बात नहीं करता है। सच्चाई है हिंदुस्तान की, राजा ना सुनेगा ना बात करेगा, राजा सिर्फ निर्णय लेगा। और नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर राजा निर्णय लेता है तो जनता को चुप रहना चाहिए।
विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 8 मई को सुबह 6:15 पर खुलेंगे, जबकि गाड़ू घाट की तारीख 22 अप्रैल शुक्रवार है। नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सादे धार्मिक समारोह में पूजा अर्चना और पंचांग गणना के बाद राज परिवार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत की उपस्थिति में धर्माचार्यों की तरफ से पंचांग गणना के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय की गई। कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल्स मानकों का पालन किया गया। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित होते ही उत्तराखंड चार धाम यात्रा 2022 की तैयारी भी शुरू हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या का ग्राफ अब धीरे धीरे कम होने लगा है। कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की सभी सीमाओं पर पुलिस बल को तैनात कर दिया, ताकि देवभूमि में प्रवेश करने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं की आरटीपीसीआर की जांच की जा सके। रिपोर्ट नेगेटिव के बाद प्रदेश में एंट्री मिल सकेगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी बॉर्डर पर तैनात किया गया है, जो आरटीपीसीआर की जाँच करेगी। चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न टीमें बनाई गई हैं, जिनमें स्थैतिक निगरानी टीम है और उड़न दस्ता है। मैं फिलहाल उड़न दस्ता प्रभारी के रूप में नियुक्त हूं और हमारी स्थैतिक निगरानी टीम और उड़न दस्ता टीम द्वारा संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे चुनाव को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उन्हें रोका जा सके और अवैध शराब या अवैध पैसा जैसी जो चीज़ें हैं उन्हें जब्त करके चुनाव फ्री एंड फेयर चुनाव सम्पन्न कराया जा सके। बसंत ऋतु के आगमन पर बसंत पंचमी के पर्व पर पौराणिक काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार थराली में भी लोगों ने जौ और पया की हरियाली बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। सबसे पहले सुबह सुबह लोगों ने जौ और पया लाकर शुद्धिकरण किया। इसके बाद शुभ कार्य की शुरुआत बसंत के आगमन पर हर्षोल्लास के साथ की। बसंत पंचमी के शुभ मौके पर ऋषिकेश भगवान भरत जी महाराज की डोली को भरत मंदिर से लेकर पूरे शहर में लोगों के दर्शन के लिए घुमाया गया और मंदिर से निकलते ही गंगा में स्नान कराने के लिए ले जाया गया। उसके बाद सभी लोगों ने पूजा अर्चना करके भगवान का आशीर्वाद लिया। जिसी केस में अगर बात करें मैं बसंत पंचमी की, तो आज बसंत पंचमी है और इसकी शुरुआत यहाँ भरत जी महाराज से की जाती है और भरत जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि जब यहाँ पर बुद्धों का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा था, जहाँ मंदिर तोड़े जा रहे थे, वहीं शंकराचार्य जी ने आके भरत जी की मूर्ति को एक माया कुंड में गंगा में एक ऐसा कुंड बनाया था जिसमें उनको छुपा दिया गया था और बसंत पंचमी वाले दिन ही उनको निकाल के पुनः स्थापित किया गया था। इसके बारे में बात करते हैं, हमारे यहाँ महंत जी हैं, महंत जी से पूछते हैं कि इसके बारे में और क्या कहा जाएगा। देखिए पुराणों में भी इसका वर्णन है और ये हमारे स्थानीय देवता भी हैं, तो स्थानीय लोग भगवान की तरह मानते हैं और स्थानीय देवता जो होते हैं वो पहले देवता होते हैं, तो पुराणों में वर्णन है, बहुत अनादि काल से चला रहा है और बहुत भव्य और दिव्य मंदिर है और बहुत लोग इसका आराधना करते हैं। महंत जी ने बताया कि ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है और यहाँ पर जो है हमेशा से इनकी पूजा की जाती है और ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके प्रथम देवता कहलाए जाते हैं। जिसी के कार्तिक के साथ के लिए संजय शर्मा। बसंत पंचमी के पर्व के जो मनाए जाने का महत्व है, इसमें जो आद्य शंकराचार्य जी हैं वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने देखा कि आक्रांताओं के द्वारा जो भगवान जी की प्रतिमा है वो यहाँ पर नहीं है, तो उन्होंने ध्यान लगाया और पता चला कि जो मूर्ति है वो माया कुंड में पुजारियों के द्वारा सुरक्षित रखने के लिए रखी गई है, तो आद्य शंकराचार्य जी यहाँ से माया कुंड में अपने अनुयायियों के साथ गए और वहाँ से प्रतिमा को निकाल करके पुनः मंदिर में प्रतिष्ठित किया। बसंत पंचमी के मौके पर हरिद्वार में हर की पौड़ी सहित कई घाटों पर गंगा स्नान जारी रहा। स्नान पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी आज बेहद कम संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे। प्रशासनिक व्यवस्था कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के अनुसार लागू की गई थी। हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम बाबा हरिदास हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर महंत संतोष आनंद देव ने कहा कि सभी
धनों में सर्वश्रेष्ठ विद्याधन है। माँ सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद से विद्याधन प्राप्त होता है। माँ सरस्वती की आराधना के लिए वसंत पंचमी का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। वहीं लक्सर में भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो कर आजाद समाज पार्टी के लक्सर विधानसभा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद तस्लीम के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आजाद समाज पार्टी के बिना अब की बार उत्तराखंड में कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी। जब आजाद समाज पार्टी की तरफ से सरकार बनेगी तब हरिद्वार में असली विकास होगा। हरिद्वार में असली विकास होगा और उत्तराखंड में रहने वाले शोषित वंचित वर्ग के लोगों को उनका अधिकार और हिस्सेदारी मिलेगी। रोजगार, पढ़ाई, इलाज, महिलाओं को सुरक्षा और जो तमाम बुनियादी मुद्दे हैं। अभी मैं आ रहा हूँ, पूरा खराब हुआ हुआ है रोड, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता, हम करके दिखाएंगे। हमने पहले भी किया और अगर जिला पंचायत चुनाव होता तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारा होता, हमने काम किया है। और जब जरूरत थी उत्तराखंड के समाज को किसी भी मामले में तो अगर कोई साथ खड़ा था बीमार में आ जाता। उत्तराखंड में एक तरफ बीजेपी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले पर कांग्रेस को घेर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता वोट के लिए मस्जिदों के चक्कर काट रहे हैं। बीजेपी पर यह आरोप कांग्रेस ने लगाया। दरअसल पौड़ी की श्रीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मस्जिद से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन सिंह रावत का ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने अब बीजेपी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया। कल तक जो बीजेपी उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद के वायरल वीडियो पर हल्ला मचा रही थी, उसी बीजेपी को आज कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के वायरल वीडियो पर घेरना शुरू कर दिया है। मैं इस चीज को बहुत हल्का मानता हूँ कि हम अनावश्यक बातों पर बात न करें। अगर वो कहीं मस्जिद में गए तो मैं उसको गलत नहीं मानता। मैं ये कहूँ कि वो मस्जिद में गए तो इसलिए वो गलत हो गए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि उन्होंने 5 साल इस क्षेत्र की जनता को, इस प्रदेश को ठगने का काम किया, जो सही आरोप है। ये कोई बात थोड़ी है कि कोई मस्जिद गया, मंदिर गया। गए तो श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा मस्जिद में है तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी विकास की आइडियोलॉजी, मैं उस विकास की आइडियोलॉजी पर बात करना चाहता हूँ और उस विकास की आइडियोलॉजी पर बहस करने के लिए मैं धन सिंह रावत जी को जब वो कहें, जहाँ वो कहें, मैं उन्हें कि वो विकास की आइडियोलॉजी पर आकर चर्चा करें। नैनीताल और उसके आसपास लगभग 1 फीट से 2 फीट की बर्फ पड़ने से ऊंचाई वाले स्थानों में 3 दिन से लाइट, पानी और नेटवर्क व्यवस्था पूरी तरह से बाधित है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ ही कई जगह पेड़ भी टूट गए हैं, जिससे बिजली की तारें तक टूट गई हैं। सुबह नेटवर्क की व्यवस्था थोड़ी बहुत ठीक पाई गई थी। दिनेशपुर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, वहीं फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। तापमान में गिरावट के कारण लोग घरों में कैद हो गए हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र में बीते 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सरसों और मटर की फसल की ज्यादा मात्रा में खेती होती है, लेकिन बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। इस पर यही कहना चाहते हैं कि हमारी फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। जैसे पहली बाढ़ आई, धानों का नुकसान हुआ, कोई मुआवजा नहीं आया, किसी ने कोई खबर नहीं ली, ना किसी सरकार ने ना किसी मंत्री ने। अब जैसे 2 बारिशें अब हुई है, मटरों का नुकसान हुआ, लाई का नुकसान हुआ, कोई मंत्री नहीं आया, कोई सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं आया। हमारा यही है कि हमारी फसलों का जो नष्ट हुआ है इसका हमें मुआवजा दिया जाए। बहुत भारी बारिश हुई है, नुकसान हुआ है हमारा बहुत ज़्यादा। ये देखो आपके सामने ये लाई है, लाई भी ख़राब हो गई और आए दिन ये बारिश है, नुकसान हो ही रहा है, आपके सामने ही है। 2 दिन से जो झमाझम और रुक रुक के और तेज़ हवा के साथ जो बारिश हो रही है, इससे मेरे 8 एकड़ खेत का लाई एकदम बर्बाद हो गया है, जिसके चलते मैं सोच में पड़ गया हूँ कि कैसे क्या काम होगा। और मैं सरकार से ये भी मांग करना चाहता हूँ कि इस आपदा को देखते हुए किसानों के लिए कुछ अपना कुछ कार्रवाई करें।
उधम सिंह नगर के पंतनगर स्थित सिडकुल में 28 जनवरी की रात में एक ऑटो चालक की हत्या कर शव सड़क किनारे फेंकने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हत्या की वजह मात्र 2000 रुपए का लेन देन बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। इकतीस तारीख को एक मर्डर का अभियोग पंजीकृत हुआ पंतनगर थाने में, और उसमें यह संज्ञान में आया है कि नेमचंद नाम का व्यक्ति है जो जिसकी हत्या कर दी गई थी। इस इन्वेस्टिगेशन को करते हुए और जो हमारी टीम थी उसने सीसीटीवी फुटेज को भी देखा, देखने से ज्ञात हुआ कि रानू नाम का एक व्यक्ति था जो नेमचंद के साथ उस दिन रात को उसके साथ था और फिर वो सीसीटीवी में अकेला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी को तस्दीक करते हुए रानू को अरेस्ट किया गया। पूछताछ में पता चला कि रानू के ऊपर 2000 रुपए थे नेमचंद के, और उसी को लेकर उस रात को घटना वाले दिन इन दोनों के बीच में कहासुनी हुई, और जिसके पश्चात रानू ने के पाइप से उसके सर और चेस्ट में वार किया था। जैसे जैसे मतदान के दिन वापस आ रहे हैं, वैसे ही बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है, जिसके चलते बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रुद्रपुर के सिटी क्लब पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद मनोज तिवारी ने रुद्रपुर के खेड़े में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता पार्टी में होना बीजेपी की ताकत है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ को कीछा से चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कीछा से भी हार ही मिलेगी। देवभूमि उत्तराखंड की बहुत जनता ने बहुत हृदय खोल के आशीर्वाद देना शुरू किया है। ऐसा हम लोग डोर टू डोर प्रचार में भी देख रहे हैं, और जब मैं आया हूँ रुद्रपुर में तो जो यहाँ का माहौल है आप सब भी देख सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से इस बार शिव अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधायक बन करके हम ही सरकार में शामिल होंगे। और इसके साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।